थे उन्होंने मुझसे कहा कि हमें ये कहा गया कि आप क्रिकेट खेला करते थे, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर को पार्टीशन के बाद रेफ्यूजी रिहैबिलिटेशन प्रॉपर्टी में खान मार्केट में एक छोटा सा फ्लैट मिला था। तो हम जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो क्रिकेट हम गोल्फ लिंक और लोधी गार्डन में खेला करते थे। दूसरा, सरकारी नौकरी में आने के बाद मैं दिल्ली की सारी जो गवर्नमेंट कॉलोनीज वहाँ पे रहा हूँ, स्टार्टिंग विद रामाकृष्णापुरम, पंडारा रोड, और मैं जब तक सेक्रेटरी बना तो मैं टाइप 7 न्यू मोतीबाग तक पहुँच गया था। उसके बाद ये मंत्रिमंडल में आने से उसमें आवास में थोड़ा और सुधार आ गया, पर मैं अगर कोई दिल्ली, कोई असली तरीके से कोई अपने आप को दिल्लीवासी कह सकता है तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरी पैदाश हुई, यहाँ पे मैं स्कूल में पढ़ा, यहीं पे मैंने यूनिवर्सिटी गया और यूनिवर्सिटी से मैं भारतीय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हुआ। तो दिल्ली मैं अपना शहर मानता हूँ और मुझे बहुत खुशी है नरेश जी आपको इस समय बधाई देते हुए, बिकॉज मैं दिल्ली में जो आप अंतर ला रहे हैं, ये हैप्पी स्पॉट्स डेवलप करके, स्मार्ट टॉयलेट्स लगा के और बाकी जो आप ग्रीनिंग कर रहे हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी जो आपने जो ये कोशिश कर रहे हैं, इस बारी जो विंटर होगा द एयर विल बी क्लीनर विद अ लिटिल कोऑपरेशन फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट जो एग्रीकल्चर स्टबल की बर्निंग कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी तरीके से जैसे जो हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण है, अगर आप ऐसे ही काम करते रहे तो पहले दो नंबर पे जो शहर है इंदौर और भोपाल, देन न्यू दिल्ली एनडीएमसी विल बी एबल टू बीट देम। और इसमें हमारे मंत्रालय की जो असेसमेंट है वो तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और फेयर होती है, पर मेरी शुभकामनाएं आपके साथ होंगी, इंदौर और भोपाल के साथ नहीं।